अभी एक बैग जो है बिना किसी फर्दर नोटिस के वीसी ने 20 सेशन में जो है फीस वृद्धि बढ़ा के 72,000 कर दिया। इस कोरोना पीरियड में छात्रों का जो शोषण करने के लिए जो पीयू वीसी ने जो फरमान निकाला है कि फीस वृद्धि बढ़ा के 72,000 इसे तुरंत वापस ले, और अगर इसे वापस नहीं लेते हैं तो छात्र उग्र आंदोलन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ ही पटना यूनिवर्सिटी के गेट पर। यहाँ पे छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है बीएमसी तथा और वोकेशनल कोर्सेज के फीस वृद्धि को लेकर। हम आइए बातचीत करते हैं इनसे कि किसकी इनका मसला क्या है और कितनी फीस वृद्धि हुई है और इनकी क्या मांगे हैं। पहले अपना नाम बताइए। नाम बताइए अपना। दीपांकर दीप, पटना बीएमसी। अच्छा, तो क्या मांगे क्या आपकी? वास्तव में धोखे के साथ हम लोग का फीस बढ़ा दिया गया। जब हमने एडमिशन लिया था तो हमें यह कहकर नामांकन हमारा लिया गया था कि 60,000 रुपया में पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाए, लेकिन एक साल का फीस हम लोग को उस समय ले लिया गया हम लोग से, और एक साल के बाद हम लोग से ये कहा जा रहा है कि अब बढ़े हुए फीस के साथ आप लोग को पूरा पैसा जमा करना है। 12,000 फीस बढ़ा दिया गया। तो हमने इसके खिलाफ़ ज्ञापन सौंपा, इसके खिलाफ़ एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम जब तक ये सुनवाई नहीं होती है, हमारे पक्ष में फैसला नहीं लिया जाता है, तब तक हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। बीच सेशन में फीस की वृद्धि कर दी गई है। जी, बीच समय फीस की वृद्धि धोखे से कर दी गई है। शुरुआत में कहा गया था कि 60,000 रुपया पूरा कोर्स का लगेगा, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि 72,000 रुपया देना होगा, जबकि कोई पहले की व्यवस्था से कुछ बेहतर नहीं हुई है। हालांकि शिक्षकों की संख्या भी पहले से कम कर दी गई है। जी, आपका नाम? मेरा नाम ज्योत प्रकाश है, पटना कॉलेज का मैं छात्र हूँ वोकेशनल कोर्स का। सबसे पहले तो मामला ये है कि कौन से वोकेशनल कोर्स? बीएमसी का मैं छात्र हूँ, बाकी बीसीए के लोग भी हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं भी अभी हम लोग जब एडमिशन लेते हैं तो फी पहले से ही डिसाइड होता है। हम लोग का फी डिसाइड था कि 3 साल का 60,000 फी लगेगा, लेकिन जब दूसरा साल हम लोग आते हैं यानी थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं तो अचानक से कहा जाता है कि नहीं, अब फी जो है इतना नहीं इतना लिया जाएगा। यानी बीच में अभी कोविड का समय है, ऐसे में बहुत सारे किसान मजदूर के यहाँ पे छात्र पढ़ते हैं, हम लोग भी गरीब घर से आते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो लोन लेकर के पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जब बोनाफाइड सर्टिफिकेट निकलवाते हैं तो यहाँ से फी स्ट्रक्चर जो निकला है वो तो अलग है, और अब जो फी है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो देने के में बहुत सारे सक्षम नहीं है, तो लोग आंदोलन में हैं। हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे। कोई बच्चा फी अभी तक नहीं दिया है, ना देगा। जब तक हम लोग इसका वापस नहीं आता है तब तक हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराने जा रहे हैं, ना फी देने जा रहे हैं। अच्छा, आप किसी वाइस चांसलर किसी से आप लोग की बातचीत हुई या कोई आवेदन होगा? बातचीत सर कुछ मिला उधर से ऐसा कुछ? एक छात्र संगठन के माध्यम से वरुण भाई ने साथी ने उन्होंने मिल करके ज्ञापन दिया था, लेकिन उसमें बताया गया कि और उसी के अगले दिन शायद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो इस वजह से वो खुद अपने आप को आइसोलेट किए हैं और अगला आदेश नहीं आया है। लेकिन पीयू प्रशासन को जो बाकी लोग हैं रजिस्ट्रार हैं या फिर जो भी उनके ऑप्शंस में इसको देख रेख कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, अन्यथा छात्र उग्र हो जाएंगे। अभी तक हम लोग की जितने भी आंदोलन रही है वो शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, लेकिन अगला बार यदि बात नहीं माना जाता है तो हम लोग उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में ऑनलाइन क्लास चल रहा है, फी मनमाने तरीके से बढ़ाया जा रहा है, गुणवत्ता में सुधार है नहीं, फिर क्यों फी दे भाई? इतनी फी क्यों नहीं देंगे? अब पॉसिबल ही नहीं है। यह है कि जब हम लोग एडमिशन लिए थे 2019 में तो हम लोग का वही 60,000 रुपया बोल करके लिया गया, अब 72,000 रुपया लिया जा रहा है। जब ग्रेडिंग सी आ गए, ग्रेडिंग सी पिछला साल मिला, और ग्रेडिंग सी के बाद ये पहला साल का जो पेमेंट हो रहा है उसमें 12,000-13,000 रुपया का आप इंप्रूवमेंट कर दिए, ना फैसिलिटी कुछ दे रहे हैं, जैसा कि सब लोग बता रहे हैं कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आप फीस लगातार बढ़ाए जा रहे हैं अपने मनमानी तरीके से। और हम लोग स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि अगर रोल बैक डिसीजन नहीं होगा तो हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे। छात्र जो है वो फी वृद्धि को लेकर लड़ते रहे हैं। अगर आप पटना विश्वविद्यालय में देखेंगे तो ट्रेडिशनल कोर्स का जो फीस है और वोकेशनल कोर्स का जो फीस है उसमें ज़मीन आसमान का अर्थ है, लेकिन अभी का जो मुद्दा ये है कि जो वोकेशनल कोर्सेज हैं उनमें जब एडमिशन लिया गया था तो कहा गया था कि 60,000 लगेगा 3 साल का। अभी एक बैग जो है बिना किसी फर्दर नोटिस के वीसी ने 20 सेशन में जो है फीस वृद्धि बढ़ा के 72,000 कर दिया, और ये जब कोई लोग जब एडमिशन लेते हैं तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाते हैं जो एडुकेशन लोन लेते हैं। तो मेरा कहना ये है कि वो लोग जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना के एडुकेशन लोन लिए वो लोग फिर से बैंक को अब क्या कहेंगे? और ये अभी जो कोरोना के पीरियड में जो बहुत से लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर हो गई है, बहुत से लोगों के पास जो है कि आर्थिक तंगी के लिए वो फीस नहीं दे पाएंगे जो पहले की फ़ीस थी 60,000 बिन जो नहीं दे पाएंगे, अब वो 72,000 जो 12,000 अधिक हुआ वो कहाँ से देंगे? तो मेरा कहना ये है कि इस कोरोना पीरियड में छात्रों का जो शोषण करने के लिए जो पीयू वीसी ने जो फरमान निकाला है कि फीस वृद्धि बढ़ा के 72,000 इसे तुरंत वापस ले, और अगर इसे वापस नहीं लेते हैं तो छात्र उग्र आंदोलन करेंगे।